देश के विभिन्न देशों में कोरोना वायरस के प्रकोप ने प्रदेश के पर्यटन कारोबार की कमर तोड़कर रख दी है। प्रदेश में अप्रैल मई और जून माह के लिए देश व विदेश के ट्रैवल एजेंट द्वारा की गई अग्रिम बुकिंग में से 90% रद्द कर दी गई है। देश के विभिन्न देशों में कोरोना वायरस के प्रकोप ने प्रदेश के पर्यटन कारोबार की कमर तोड़कर रख दी है। प्रदेश में अप्रैल मई और जून माह के लिए देश व विदेश के ट्रैवल एजेंट्स द्वारा की गई अग्रिम बुकिंग में से 90% रद्द कर दी गई है। ऐसे में लगातार रद्द हो रही बुकिंग से चिंतित पर्यटन उद्यमियों ने देश विदेश के ट्रैवल एजेंट से इन बुकिंग को रद्द न करके आगे सरकाने की गुहार लगाई है, जिससे वर्तमान में कोरोना की वजह से मंदी की मार झेल रहे पर्यटन उद्यमी आगामी महीनों में कोरोना का खतरा कम होने पर नुकसान की भरपाई कर सके। पर्यटन कारोबार से जुड़े सूत्रों की माने तो अप्रैल मई जून माह के लिए फरवरी और मार्च में बुकिंग होती है। इस मर्तबा भी बुकिंग हुई थी, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर फरवरी माह से जारी बुकिंग रद्द करने का क्रम अभी तक जारी है। आलम यह है कि पिछले 2-3 दिनों में ही प्रदेश भर के निजी होटलों में 90% बुकिंग रद्द हो चुकी है। पूर्व के वर्षों में मार्च माह में प्रदेश के होटलों में 50-70% ऑक्यूपेंसी रहती थी, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग है। होटियर्स की माने तो आगामी अप्रैल मई जून माह में महाराष्ट्र के पर्यटकों की बुकिंग होती थी, लेकिन कोरोना की वजह से महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी की गई एडवाइजरी की वजह से महाराष्ट्र के पर्यटकों की आमद प्रभावित होगी। प्रदेश में अप्रैल मई जून माह के लिए एडवांस में की गई 90% बुकिंग रद्द हो चुकी है। पूर्व के वर्षों में मार्च माह में 50-70% ऑक्यूपेंसी रहती थी, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। भारत और विदेशों के ट्रैवल एजेंट में एडवांस बुकिंग को रद्द न करके पोस्टपोन करने का आग्रह किया है, जिससे कि कोरोना का खतरा कम होने पर मंदी की मार से उभरने की उम्मीद बनी रहेगी। धर्मशाला एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और फरवरी और मार्च के महीने में यहाँ पर हमारे यहाँ फॉरनर की बहुत ग्रुप मूवमेंट हुआ करती थी। फरवरी से ही तिब्बतन न्यू ईयर लोफो स्टार्ट होता था और उसके बाद लोफो के बाद दलाला मजी टीचिंग दिया करते थे। ये टीचिंग रफली 18-20 दिन चला करती थी और जिसमें इम्पोर्टेंट कंट्री पार्टिसिपेट करते थे वो थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, वियतनाम, वहाँ से श्रद्धालु आया करते थे। वो एक किस्म थी, ये एयर हैंडलिंग भी हुआ करती थी। उसी टाइम कॉर्पोरेट क्लाइंट, उनके एक बजट होते थे मार्केटिंग के और कॉन्फ्रेंसिस के, वो भी आया करते थे। तो फिर मिल मिलाकर ये जो मार्च का महीना होता था रफली कोई 50-70% ऑक्यूपेंसी रिकॉर्ड किया करती थी। नहीं, इस बार जो चाइना के अंदर कोरोना वायरस शुरू हुआ उसके चलते चलते जो मूवमेंट थी कम हुई, धीरे हुई, लेकिन बंद नहीं हुई थी। अभी पिछले कुछ एक हफ्ते से जो कैंसलेशन आनी शुरू हुई इन्हीं जो 12 कंट्री थे जो अफेक्टेड कंट्री थे, तो उसमें ऑलमोस्ट 80% की गिरावट की गई, कैंसिलेशन हुई। लेकिन आप उनके हैरान हो गए, पिछले 2 दिन में मैं जाऊं तो पिछले कल से ही वो जो कैंसिलेशन है 90% तक आ चुकी है। ग्रुप सारे फोरम ग्रुप 100% कैंसिल हो गए हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एडवाइज इशू कर दी है कि कोई भी ट्रेवल एजेंट, कोई भी प्राइवेट प्लेयर ग्रुप लेके हिमाचल के अंदर नहीं आ सकता, वहां एक एडवाइज इशू हो गई है। उस वजह से जो महाराष्ट्र का टूरिस्ट था, जो बुकिंग आनी थी आगे, मैं बात कर रहा हूं अप्रैल मई जून 15 जुलाई तक, जो पूरे टूरिस्ट सीजन का 50-50% जो था वॉल्यूम था इन 3 महीने में आया करता था, वो टोटल की टोटल बुकिंग कैंसिल हो गई। इसका इफेक्ट यह पड़ रहा है कि जो टोटल हिमाचल के अंदर, मैं खाली धर्मशाला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे हिमाचल की बात कर रहा हूं, पूरे हिमाचल में जो टूरिस्ट है वो 90%+ कैंसिलेशन हो गई है। और आज की कैंसिलेशन वो कैंसिलेशन ही नहीं है जो पिछली मंथ फरवरी मार्च के लिए थी, बल्कि अप्रैल मई जून जुलाई तक टोटल के टोटल बुकिंग कैंसिल हो गई है। अब हम क्या देख रहे हैं कि इस सिचुएशन को हम कैसे सॉल्वेज करें, कैसे सुधारें। तो हमने पिछले एक दिन पहले ही हमने ऑल ओवर पैन इंडिया एजेंट्स को, वर्ल्ड ओवर एजेंट्स को, हमने एक अपनी तरफ से एक प्रपोजल भेजी है कि आप बुकिंग को कैंसिल मत कीजिए, आप बुकिंग को पोस्टपोन कीजिए। जो बुकिंग आपकी अप्रैल मई जून की, उसको अक्टूबर में ले जाइए। उससे कम से कम हमारे पास जो टूरिस्ट है जो आज नहीं आ पाया, हम उम्मीद करते हैं कि ये एक महीने के अंदर, 15 दिन के अंदर, ये जो कोरोना का जो एक दहशत है, जो एक उसका वन बढ़ रहा है, वो थोड़ा कम होगा, लोगों के अंदर दोबारा कॉन्फिडेंस आएगा, लोग दोबारा फिर निकलना चाहिए।